नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को 6 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। इसमें से 2 वंदे भारत कोडरमा से होकर के गुजरेगी, गया हावड़ा वंदे भारत और टाटानगर पटना वंदे भारत। 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने से कोडरमा के लोग काफी उत्साहित है। संवाददाता रितेश लोहानी की ये रिपोर्ट देखिए। वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सबसे हाईटेक ट्रेन अब झारखंड के कोडरमा से भी होकर गुजरेगी, वो भी एक नहीं बल्कि 2-2। जी हाँ, रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 6 नई वंदे भारत की सौगात दी। इसमें से 2 ट्रेन कोडरमा से गुजरेगी, पहली वंदे भारत गया हावड़ा के बीच चलेगी। पीएम की हरी झंडी मिलने के बाद जब वंदे भारत कोडरमा स्टेशन पर पहुंची, तो रेलवे के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ ट्रेन का स्वागत किया। लोगों ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जिस सफर को तय करने में पहले उन्हें पूरी रात लग जाती थी, अब वो 2-3 घंटे में ही कर सकेंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले सोचते थे कि वंदे भारत में एक बार सफर करना है, तो रेलवे विभाग की तरफ से हम लोग को ये मौका दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इस पे बैठ के। यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज हैं और बहुत ही अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है। देखो, पहले आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ, वंदे भारत में बैठने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जब से स्कूल वाले ने इन्फॉर्म हमें किया था, पता है कल रात से मैं सोया नहीं हूँ। बहुत सुंदर है, मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन चलाकर समय की भी बचत की है। जो कोडरमा से हावड़ा तक जाने के लिए रात भर का सफर होता था, वो मात्र अब 3-4 घंटा में हो जाएगा। कोडरमा में रुकने वाली दूसरी ट्रेन टाटानगर और पटना के बीच चलेगी। इस ट्रेन में भी स्कूली बच्चों के साथ रेलवे के पदाधिकारियों ने सफर किया। इस दौरान सभी बच्चे रहकर एक साथ धन्यवाद मोदी जी, जोहार मोदी जी और वंदे मातरम का नारा लगाकर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। वहीं DRM कमल किशोर सिन्हा ने कहा कि इससे छोटे शहरों और महानगरों के बीच की दूरी कम होगी। महानगरों के जो बीच पर डिस्टेंस है, कोडरमा से बनास हो, कोडरमा से गया हो, कोडरमा से पटना हो, कोडरमा से धनबाद हो, अब ये कुछ घंटों की बात है, 2-3 घंटे की बात है। और आपको जो एक फील होता था कि मैं उस सिटी से दूर हूँ तो मैं बार बार अपने घर के पास में काम करूँ या घर से समीप काम करूँ, वो चीज दूर होगी। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मोदी जी हमारे देश के लिए वंदे भारत जैसी ट्रेनें ला रहे हैं, तो उनको तो सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ। ये ट्रेन ऐसी सुविधाएं दे रही है जिससे मतलब साफ सफाई, सिक्योरिटी या फिर आधुनिक बोगी को देखेंगे तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया शानदार है और सबसे अच्छी बात की मेड इन इंडिया है। इस आधुनिक ट्रेन में CCTV कैमरे के साथ वाईफाई, बेहतर कैटरिंग, मूविंग चेयर समेत यात्रियों की हर सुविधा का ध्यान रखा गया है। यानी अब लोग कम समय में बेहतर सुविधाओं के साथ आरामदायक सफर तय कर सकेंगे। न्यूज 18 के लिए कोडरमा से संवाददाता रितेश लोहानी की रिपोर्ट। धनबाद को भी वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। गया हावड़ा वंदे भारत का ठहराव धनबाद स्टेशन पर होगा और इस ट्रेन के शुरू होने से बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर कोई गदगद है। वहीं अब धनबाद से डायरेक्ट दिल्ली तक वंदे भारत चलाने की मांग भी उठने लगी है। ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लोक नृत्य हो रहा है। यह तस्वीर है वंदे भारत एक्सप्रेस के स्वागत के जश्न की। पीएम मोदी ने रविवार को रांची एयरपोर्ट से गया हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसे ही ट्रेन धनबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खासकर स्कूली बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। बहुत अच्छा लगा। यस सर, बहुत संतोष।
यस सर। क्या बात कर रहे थे? सर बहुत तेज चल रहा है ट्रेन, बहुत अच्छा लगा। क्या रहे? आसम सर। पहली बार वंदे भारत में बैठे हैं? हाँ। कितने स्टूडेंट आप लोग जा रहे हैं? 22 कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और भी कई ट्रेनों में चढ़े होंगे आप, कुछ अलग अनुभव लग रहा है? हाँ, इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। वंदे भारत की सौगात पाकर स्थानीय लोग फूले नहीं समा रहे और बार बार प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत सारी ट्रेनों में चढ़ी हूँ, इतना तो अनुभव है, लेकिन ये जो अनुभव है ये सबसे अनूठा अनुभव है। तो मोदी जी का धन्यवाद मैं देती हूँ और भरे दिल से, दिल के अंदर से, तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात हमें दी है कि बस आशा और उम्मीद इतनी जग गई है कि हम जानते हैं कि मोदी जी के अंदर ये तो क्षमता है कि वो बहुत कुछ कर दिखाएंगे हमारे भारत के लिए और खासकर हमारे झारखंड और हमारे धनबाद को। भूरी भूरी हम प्रशंसा करते हैं उनकी, जितनी तारीफ करें मोदी जी की वो कम है। वहीं इस अवसर पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि वे चाहते हैं कि धनबाद और दिल्ली के बीच भी डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन चलाई जाए। तो अब तो नया वर्षन आ गया है ये वंदे भारत का, जिसमें लंबी दूरी की ट्रेन भी चल सकती है। तो लोगों की आकांक्षा है कि धनबाद से दिल्ली के लिए एक वंदे भारत ट्रेन मिले, जो नया स्लीपर वाला जो कोच आया है वह ट्रेन एक यहां से दिल्ली के लिए मिले। लोग दिल से अपने प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन धनबाद को नई रफ्तार देगी। इस नई ट्रेन के चालू होने से कोयलांचल के लोग न सिर्फ अब कम समय में लंबी दूरी तय कर सकेंगे, साथ ही हाई टेक सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। धनबाद के लिए एक बड़ी सौगात है क्योंकि धनबाद होकर पहली बार वंदे भारत ट्रेन जा रही है और अभी हम उसी ट्रेन के अंदर बोगी में हैं, जिसका नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। इस ट्रेन के यहाँ चलने से लोगों में काफ़ी खुशी है और साथ ही साथ रेल अधिकारी भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि धनबाद रेल मंडल के धनबाद स्टेशन होकर पहली बार वंदे भारत ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और यात्रियों को एक सुखद यात्रा का एहसास कराएगी। संजय गुप्ता, News18 धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 6 नए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की, जिससे पूर्वी भारत के कई राज्यों के यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। पहले दिन वंदे भारत ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। देखिए रिपोर्ट के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा को एक साथ कई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने खुद हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को अलग अलग स्टेशन से रवाना किया। टाटानगर से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से दोनों शहरों के बीच आने जाने में कम समय लगेगा। चाहे स्थानीय लोग हो या फिर टूरिस्ट, दोनों को इस ट्रेन के चलने का फायदा मिलेगा। रविवार को टाटानगर से रवाना होने के बाद वंदे भारत ट्रेन पहली बार बोकारो रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जहां मौजूद लोगों ने गर्मजोशी से ट्रेन का स्वागत किया। कई लोगों ने इस ट्रेन से टाटानगर से पटना के बीच का सफर भी तय किया। पहले दिन वंदे भारत में सफर करने की खुशी यात्रियों के चेहरे पर साफ देखी गई। लोगों ने इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलाने के लिए पीएम मोदी का दिल खोलकर धन्यवाद दिया। ये सबसे फास्टेस्ट ट्रेन मेरे को लगता अभी वंदे भारत टाटा टू पटना यही है। हाँ। रूट तो मेरे को लगता बहुत अच्छा पैसेंजर होगा, हिट होगा ये ट्रेन। समय भी बचेगा लोगों का। हाँ, समय बचेगा। कितना देर में टाटा से पटना पहुँचाएगा? ये 7 घंटा 15 मिनट। वंदे भारत अभी भारतीय रेलवे में सबसे आधुनिक ट्रेन है। ये जो मैक्सिमम स्पीड है इसका, ट्रेन का जो स्पीड है वो 160 km/h है और हमारा ट्रैक का भी स्पीड मैक्सिमम 130 है, तो ये 130 पे चलेगी। टाटानगर से पटना तक चलने वाली वंदे भारत ट्रेन इसलिए भी खास है क्योंकि पहले ही दिन इस ट्रेन को आदिवासी महिला पायलट रितिका तिर्की ने चलाया और ट्रेन को लेकर पटना पहुंची। रितिका तिर्की ने वंदे भारत ट्रेन चलाने पर खुशी जताते हुए कहा कि उन्हें खुद को यकीन नहीं हो रहा कि वो देश की सबसे हाईटेक ट्रेन चला रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग खाली टीवी में देखते थे बाहर फॉरेन में कि हाई स्पीड ट्रेन चल रहा है और बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां चल रही है, अब यहाँ भी इंडिया में भी चल रहा है। जिन वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत पीएम मोदी ने की उसमें से एक ओडिशा के ब्रह्मपुर से टाटानगर के बीच चलने वाली वंदे भारत भी है। लोगों को इस ट्रेन के
चलने की खुशी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। ये ट्रेन रात करीब 9:50 पर चाईबासा पहुंची। इतनी रात को भी इस ट्रेन का स्वागत करने के लिए चाईबासा स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत खुशी की बात है क्योंकि हम कोलानवासी के लिए सिर्फ दो ट्रेनें जाती हैं और ये बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि कोलानवासियों को मोदी जी ने बहुत अच्छा सम्मान दिया है। बहुत सालों से वर्षों से यहाँ के कोलानवासियों ने इसके लिए आंदोलन भी किए लेकिन मोदी जी के रहते हुए ये सारा चीज हमारा जो सपना है वो सारा चीज पूरा हो पाया है। कुछ ऐसा ही उत्साह राउरकेला से हावड़ा के बीच शुरुआत हुई वंदे भारत ट्रेन में भी देखने को मिले, जिसमें पहले ही दिन 300 स्कूली बच्चों ने सफर किया। पहली बार वंदे भारत में सफर कर रहे बच्चे काफी उत्साहित और खुश दिखाई दिए। चक्रधरपुर रेल मंडल के राउरकेला से हावड़ा तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है। फिलहाल उसी ट्रेन में मौजूद है और राउरकेला से ट्रेन छूट चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद, हरी झंडी दिखाए जाने के बाद ये ट्रेन अभी राउरकेला से कुछ देर पहले छूटी है। इसमें आप देख रहे हैं स्कूली बच्चे हैं और अन्य लोग भी यहाँ सफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ 6 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी बल्कि करोड़ों की योजनाओं की भी सौगात दी। इस दौरान टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए एलईडी स्क्रीन लगाई गई थी, जहां उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे। इन 6 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत होने से पूर्वी राज्यों बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा के बीच कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाएगी। अब यात्री आरामदायक सफर के साथ कम समय में अपनी यात्रा पूरी कर पाएंगे, जिससे यात्रियों में काफी खुशी देखने को मिली। न्यूज 18 बिहार झारखंड के लिए रुपेश प्रधान की रिपोर्ट।